नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग मार्केट में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक समय मल्टीबगर स्टॉक हुआ करता था, लेकिन लगातार इसमें डाउनफॉल होने के कारण एक पेनी स्टॉक में तब्दील हो गया, लेकिन अब ये बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसका करेंट प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हो 60 रुपये 65 पैसा देखने के लिए है। ऑल टाइम्स रिटर्न की बात करें तो 1247% का ऑल टाइम्स रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बेहतर देखने को मिला है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये एक समय लगभग 500-600 रुपये के पास हुआ करता था, जिस समय इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। धीरे धीरे इसमें डाउनफॉल देखने को मिला और 2009 में ये 41 रुपये के पास पहुंच गया। फिर इसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले, फिर इसमें डाउनफॉल, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद आज ये फिर बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है। आज देखें तो इसका प्राइस देखें तो 60 रुपये 65 पैसा देखने को मिला है, लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है दोस्तों। तो आप जानते ही हैं इस कंपनी का नाम क्या है, तो इस कंपनी का नाम है SPML इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसका BSE और NSE पर लिस्टेड है दोस्तों। लगातार इसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले हैं और थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, रॉकेट बन गया ये स्टॉक, ऑर्डर मिलने के बाद रॉकेट बन गया। तो क्या न्यूज आई है उसका भी अपडेट हम देंगे दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 ईयर्स में इसने 528% का रिटर्न दिया है दोस्तों, और आप देखें तो एक समय ये 10 रुपये प्लस हो गया था, 10 रुपये 11 रुपये पर ट्रेड कर रही थी काफ़ी दिनों तक। फिर इसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले और काफ़ी बेहतर रिस्पांस देखने को मिला, लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है। अगर इसमें 10 रुपये थे, अगर 10 रुपये स्टॉक का प्राइस था, अगर 10 रुपये में अगर आज 1000 खरीद लिए होते तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। 1000 भी शेयर खरीद लिए होते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, 10 गुना पैसा को बना दिया होता आज। और वहीं 6 मंथ में आप देख सकते हो लगभग 470% की तेजी देखने को मिला है, काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिला है। 1 मंथ में आप देख सकते हो लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के बाद फिर ये अपर सर्किट देखने को मिला है, आप देख सकते हो 21% की तेजी। और 5 डेज में आप देख सकते हो लगभग 8% की तेजी देखने को मिला है, और 1 डेज में आप देख सकते हो 5% की तेजी देखने को मिला है। रॉकेट बना हुआ है ये स्टॉक, लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है। तो चलिए इसका फंडामेंटल क्या है उसके बाद हम न्यूज़ अपडेट बताएंगे क्या न्यूज़ आई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये स्टॉक SPML इंफ्रा लिमिटेड, जो आप देख सकते हैं क्या काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और पावर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम करती है। काफ़ी अच्छा इसका सेक्टर है और लगातार इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा इसमें डाउनफॉल भी देखने को मिला है। कंपनी अभी कर्ज में जा रही है, तत्काल इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कर्ज देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल ये धीरे धीरे बाउंस बैक कर सकता है। पहले 600 रुपये प्लस हुआ करता था, लेकिन अब 60 रुपये हो गए हैं, तो ये कभी भी बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को भी मिले हैं लगातार। तो आप देख सकते हो, वहीं आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 239 करोड़ का है, करेंट प्राइस 60 रुपये। हाई और लो की बात करें तो 8 रुपये का स्टॉक हाइस्ट 64 रुपये लगा चुका है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 70 रुपये बुक वैल्यू देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। ROCE माइनस में है और ROE माइनस में, ROCE माइनस में देखने को मिला है। फेस वैल्यू 2 रुपये देखने को मिले हैं, आप देख सकते हो। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 34% का प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी पे कर्ज ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो 6.79% का डेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी माइनस में है, नेट प्रॉफिट माइनस में देखने को मिल रहा है। सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो ठीक ठाक देखने को मिला है इसने सेल्स, लेकिन सेल्स इसने 921 करोड़ का इसने सेल्स दिया है। वहीं कंपनी पे के बाद की कर्ज की बात करें तो 1880 करोड़ का इसका कर्ज देखने को मिला है, लगभग 1880 करोड़ मार लो इसका कर्ज है। वहीं सेल्स 11.4% और रिजर्व की बात करें तो 270% का इसका रिजर्व देखने को मिला है, 270 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो इस पर कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, वो भी देखने को मिला है, लेकिन इसमें भी इसने काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो 513% की तेज़ी देखने को मिला है, इतनी कर्ज होने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिला है, लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो ये स्टॉक इतने होने के बावजूद ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिस्पांस देखने को मिले हैं। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि इस शेयर में आप बाय कंसिडर कर ले, लेकिन एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। तो आप समझ सकते हो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो 239 करोड़ है, जिसका कर्ज आप देख सकते हो 1880 करोड़ का कर्ज है, तो ये कंपनी ओवरऑल बहुत सारे घाटे में अभी चल रही है, लेकिन एक ऑर्डर आने के बाद इसने काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। तो आप एक बार खुद से एनालिसिस कर लेना, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों न्यूज क्या आया है वो आप देख सकते हैं, एक ऑर्डर से इस कंपनी का शेयर बन गया रॉकेट, अचानक बढ़ी खरीदारी। तो आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो
बीते शुक्रवार को एक ऑर्डर की वजह से SPML इंफ्रा का शेयर लगातार रॉकेट की तरह भाग गया है। शेयर इतनी खरीदारी बढ़ गई है कि इसका अपर सर्किट भी लग गया है। शेयर का भाव 60 रुपये के पार, अंत आप देख सकते हो 52 वीक उच्चतम स्तर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 222 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप स्किप करके वीडियो पढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छे इसमें मूवमेंट्स देखने को मिला है। ऑर्डर क्या मिला है तो आप देख सकते हो, राजस्थान में जल आपूर्ति प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है दोस्तों इस कंपनी को। और कंपनी ने कहा है कि इसका ऑर्डर का मूल्य 1157 करोड़ रुपये का है, जो आप देख सकते हो। राजस्थान सरकार इरिंदावान परियोजना के माध्यम से दौसा और सवाई माधोपुर जिलों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने जा रही है। तो आप इस कंपनी के शेयर में अगर अभी फिलहाल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको पैसा बना कर देगा दोस्तों। काफ़ी अच्छे है ये कंपनी, पैसा आपको बना के देगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 341 किलोमीटर की ट्रांसमिशन पाइपलाइन शामिल है इसमें, जो कि काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या इस कंपनी पे कर्ज है या फाइनेंशियल ट्रेड है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो SPML इंफ्रा लिमिटेड 60.65 रुपये देखने को मिला है। वहीं आप देख सकते हो कंपनी फिलहाल तो कर्ज में है, लेकिन लगातार इसमें अच्छे मूवमेंट्स भी देखने को मिला है। वहीं फाइनेंशियल ट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हो, पहले रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में काफ़ी 19 में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट भी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे 2020 और 21 की बात करें तो इस कंपनी पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, लगातार इस कंपनी पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी इस कंपनी पे कर्ज है। तो आप समझ सकते हो ये जो चल रहा है, काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिला है। जो ऑर्डर मिले हैं काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। तो दोस्तों इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से एक बार ज़रूर एनालिसिस कर लें। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर दिए हैं। तो आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।